वेलकम फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार आप लोगों के सामने आज इस राजधानी फैमिली के इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूं, जिसे आप लोग देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। आपके सामने यह ट्रिक है, मात्र 2 सेकेंड में आप वर्ग निकालना सीखें। आपके यह ट्रिक को आप एक बार सिर्फ देखिए और आराम से चुटकियों में इसको वर्ग निकालिए। तो हमारे आपके सामने ये देखिए पेश किया जाता है, मात्र 2 सेकेंड में वर्ग निकालें। सबसे पहले वर्ग निकालने के लिए आप लोग को तो कम से कम 1 से लेकर 20 तक तो सबको याद ही रहता है, 20 तक तो सबको याद रहता है। 20 के आगे आप जैसे जिस प्रकार से निकालना चाहते हैं उसको एकदम आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। जैसे आप मान ले जाए 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, ये सब तो सबको याद है, लेकिन इसके आगे जो बड़े बड़े संख्या होता है, अगर उसको आप वर्ग संख्या निकालना है तो एकदम आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको हम मान लिया जाए, सबसे पहले ले ले हम मान लिया जाए 50 के नजदीक के बारे में, जो भी 50 के नजदीक है, 50 के नजदीक में जितनी भी संख्या है उसका वर्ग निकालने के लिए आप जैसे मान लिया जाए 49 हो, 48 हो, 47 हो, तो इस तरह से ये सब का वर्ग निकालना एकदम देखिए बेहद है आसान है। जैसे 50 है तो 50 के नजदीक 49 है, तो आप सबसे पहले दिमाग में लगाइए कि 50 से 49 कितना कम है। तो आपके दिमाग में तुरंत क्रिएट होगा ये क्वेश्चन कि 50 से 49 एक कम है, तो एक कम है तो आप एक को स्क्वायर कीजिए, एक को स्क्वायर कीजिएगा तो 0 1, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है और वर्ग हमेशा 2 संख्या होता है, क्योंकि वर्ग का नियम है कि ना तो 2 से अधिक लिखाएगा ना तो 2 से कम लिखाएगा, इसलिए एक कम है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर हम 49 को निकाल रहे हैं और 50 के नजदीक हो तो 25 में से उसको एक कम कर दीजिए, यानी 25 से एक कम करेंगे तो 24, यानी 50 के लगभग में जो रहेगा उसको 25 से कम करना, यानी कि आप 49 के स्क्वायर निकल गया आपके सामने 24 0 1, बिल्कुल सिंपल है। उसी प्रकार से अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो आप एक दो और देख सकते हैं, जैसे 48 का मान लें, 48 50 से कितना कम है तो तुरंत आ जाएगा यार 2 कम है, 2 का स्क्वायर कीजिए 0 4। आप बताइए कि 2 कम था तो 25 में से 2 और कम कर दीजिए, तो 25 में से 2 गया तो कितना बचा 23, तो यहां पर आप समझ सकते हैं 23 0 4। तो इसी तरह से जैसे 47 है तो 47 50 से कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर कीजिए 0 9, और 25 में से 3 और कम कर दीजिए कितना हो गया 22 हो गया। तो इस तरह से आपके दिमाग में आ गया कि अगर 50 के नजदीक में रहेगा तो किस तरह से आप चुटकियों में निकाल सकते हैं और भी बड़े बड़े अंकों को निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 41 की बात करें, 41 का स्क्वायर है, आपके दिमाग में तुरंत क्रिएट होगा कि 50 से 41 में कितना का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 9 का स्क्वायर कर दीजिए 9 9 81। अब 9 का डिफरेंस है तो 25 में से 9 घटा दीजिए, तो 25 में से तुरंत 9 घटाएंगे तो दिमाग में आ जाएगा 16। तो इस तरह से आपके दिमाग में आ जाएगा कि 41 के स्क्वायर कितना हो गया 1681। तो इस तरह से आपको जो है 50 के नजदीक में कम हो तो कम करना है। अब अगर अधिक हो, जैसे मान लिया जाए, बात किया जाए 52 का स्क्वायर, तो 50 से ये ज्यादा है 52, तो कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा, तो 2 ज्यादा है तो आप 2 का स्क्वायर कीजिए पहले तो 0 4। अब देखिए यहां पर था कम तो हम 25 में कम कर रहे थे, लेकिन यहां पर है 25 से इसमें बढ़ाना क्योंकि ये 50 से अधिक है, तो आप सोच सकते हैं कि 25 में 2 और जोड़ेंगे तो 25 2 27 27 0 4। उसी प्रकार से आप किसी का ले लीजिए, मान लिया जाए 58 का लिए तो आप सोच सकते हैं 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर कीजिए कितना हो गया 64। अब देखिए 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो ये 50 और 58 में 8 का डिफरेंस है, तो 25 में 8 जोड़ दीजिए तो 25 और 8 कितना हो गया 33, तो इस तरह से निकल गया 33 2 64। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये 50 के नजदीक में है तो 25 पर ध्यान लगाना,
लेकिन अगर 100 के नजदीक में रहेगा, किसके नजदीक में रहेगा, 100 के नजदीक में, अगर 100 के नजदीक में रहेगा तब तो और सिंपल है। जैसे में से आप देख सकते हैं एक दो एग्जांपल, जैसे मान लिया सबसे पहले हम आपको 99 का हायर स्क्वायर दिखा देते हैं। 100 से कितना कम है, एक कम है, एक का स्क्वायर कीजिए 01। अब उसमें था कि 50 में था कि 25 पर ध्यान देना, इसमें तो सिर्फ उसी अंक में घटा देना है और ये आसान है। 99 में से एक और कम कर दीजिए, 99 में से एक और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, यानी कि 98 01। आप देखिए कितना आसान से निकल गया 99 का स्क्वायर अगर 100 के नजदीक में हो तो। इसी प्रकार से आप सोच सकते हैं कि अगर आपको बोल दिया जाए कि 102 का स्क्वायर निकालिए, देखिए देखने में तो बहुत बड़ा अंक लग रहा है 102, लेकिन देखिए कितना चुटकी निकल जाएगा। पहले 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 × 2 = 4, 04। अब 102 है तो यहाँ 100 के नजदीक में रहेगा तो 100 पर ही ध्यान देना, 50 के नजदीक में रहेगा तो 25 पर ध्यान देना। तो यहाँ 102 में 2 का स्क्वायर किया 04, और 102 में 2 ज्यादा है तो 2 और जोड़ दीजिए, 102 और 2 कितना हो गया 104। इस तरह से आप इसका स्क्वायर निकाल लें। तो मान लिया जाए कि आपको किसी भी प्रकार से दे देगा कोई भी नजदीकी वाला, 50 के नजदीक वाला इस तरह से 25 पर ध्यान देना है, 100 के नजदीक वाला 100 पर ध्यान देके आप किसी को भी रपेट सकते हैं। आप इसी तरह दो चार एग्जाम्पल को लेके आप बना सकते हैं एकदम आसानी से। अब बात आपको दिमाग में आएगा कि अगर वर्ग हम करते समय 3 अंक आ जाए, कभी कभी दिमाग में ऐसी बात उत्पन्न हो सकती है, जैसे हम इसको भी मिटाते हैं है ना, उसके बाद हम आगे आप लोग को बताते हैं। तो देख सकते हैं कि अगर मान लिया जाए दिमाग में आ जाएगा कि 39 के स्क्वायर रहे तो कैसे निकालेंगे, तो 39 के स्क्वायर में आपको ध्यान देना है कि 50 से कम कितना है तो 11 करना, 11 के स्क्वायर करेंगे तो होगा 121। लेकिन हमको ध्यान में रखना होगा कि वर्ग में हमेशा दो ही संख्या लिया जाता है, यानी कि हम 21 लेंगे और एक को क्या रखेंगे, बाकी रखेंगे, एक को बाकी रखेंगे। अब देखिए 39 में से हमको 11 जो है 50 के डिफरेंस में था, तो 25 में से हम 11 को और कम करेंगे। तो यदि हम 25 में से 11 को और कम करेंगे, लेकिन यहां पर एक बाकी है इसलिए गलती नहीं कीजिए, इसको एक को पहले आप बढ़िया से ध्यान से समझ लीजिए। तो 25 में से हम 11 को कम करते हैं तो 14 आता है, तो 14 आता है और एक यहां पर बाकी था आपके साथ, तो 14 है कितना हो गया 15। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, यानी कि अगर 2 से अधिक अंक आ जाए तो एक अंक को बाकी में रखिए, बाकी 2 ही अंक को यहां लिखना, इसको आप ध्यान में हमेशा रखिएगा क्योंकि इसमें अक्सर गलतियां होने की चांसेस रहती है, इसलिए इसमें ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ और आपके सामने फैक्ट किया जाता है, यानी जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में क्या हो 5 हो उसको निकालना। जैसे मान लिया जाए हम एकदम सिंपल से पहले आप लोग को ले चल सकते हैं 25 के स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर तो हम लोग को याद है 625, तो 625 हमको याद है। तो इसमें आप एक दिमाग लगाइए, ये जो है इसको वर्ग कर देता है, इसको आप वर्ग कर दीजिए 5 के स्क्वायर 25, और जो इस संख्या है 2 उसको एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, 2 है तो 3 से गुना कीजिएगा तो 2 × 3 = 6, तो 625। अब उसी प्रकार से आपको किसी का दे दे, माने 35 का स्क्वायर दे दिया तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 25, और 3 है तो किससे गुना 1 बढ़ा के 4 से गुना, तो 3 × 4 = 12, ठीक कितना हो गया 1225। यानी अब जिसके अंत में आपको 5 दिखे एकदम सिंपल है, किसी का भी धैर्य बढ़ा सकते हैं, जैसे 75 का स्क्वायर ले लीजिए तो 5 × 5 = 25 हो गया, और यहां पर 7 है तो 8 से गुना तो 7 × 8 = 56, तो इस तरह से तुरंत निकल गया, यानी एक बढ़ा के उसको गुना कर देना है। जैसे मान लिया जाए आपको रहेगा 95 का स्क्वायर, सिंपल है 25 लिख दीजिएगा लास्ट में, 9 है 10 से गुना कीजिए 10 × 9 = 90, सिंपल होगी। इस तरह से जिसके इकाई अंक में 5 हो, यानी पहला अंक 5 हो, इकाई का अंक 5 अगर रहेगा तो उसमें 25 लिख के और जो संख्या रहेगा उसको एक बढ़ा के एकदम आराम से उसको सिर्फ गुना करना है, आपका वर्ग संख्या रेडी। आप चाहे वो कितना बड़ा भी आपको रहे एकदम आप आराम से बना सकते हैं, चाहे वो 105 का रहे, सिंपल है 5 × 5 = 25, 10 है 11 से गुना कर दीजिए 11 × 10 = 110, एकदम सिंपल।
तो आप इस तरह से आप एकदम पांच इसके अंत में रहेगा तो उसको आप चटनी बना दीजिए एकदम आराम से। इसको आप जाके घर में आप आराम से लिख के एक से लेके मान लिया जाए तो आप 150 तक तो एकदम आराम से आप निकाल सकते हैं। इसको आप घर में लिख के कॉपी पर एक आराम से लीजिए और इसको लिखिए बढ़िया तरीके से और उसके बाद इसको एक दो बार अभ्यास कीजिए, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा और गलती होने का कोई चांस ही नहीं। अगर गलती होता है तो एक आध बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा, निश्चित रूप से आप सीख जाइएगा। और थोड़ा सा और बचा हुआ इसमें जिसको हम अभी तुरंत बता देते हैं, जिसके अंत में देखिए इससे देखिए एक और आसान आता है बात कि अगर एक एक रहेगा ठीक है तो जितना एक रहेगा वहां तक बढ़ते हुए जाना। जैसे 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर तो क्या करना, 2 1 है इसमें तो 2 1 है तो आप 2 तक 1 2 और उसका घटते हुए आगे 1। जैसे मान लिया 3 1 है तो आप 3 तक बढ़ते जाइए, 3 1 है तो 3 तक बढ़िए 1 2 3 और फिर इसके बाद घटते क्रम में आइए 2 1। यानी ये सबको एकदम तुरंत दिमाग में जैसे ही आ जाएगा कि एक 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 है तो आप उसका वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 4 1 रहेगा तो 1 2 3 4 अब इसको घटते क्रम में लिख दीजिए 3 2 1। तो इस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं ठीक है। आगे आने वाले क्लास में आप लोग को हम बताएंगे कि आप किस तरह से किसी भी संख्या 200 से आगे आप किसी को भी वर्ग में एकदम आराम से निकाल सकते हैं। फिलहाल इसको आप रिवीजन कीजिए, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको हमारा नोटिफिकेशन पता चलेगा और सामने आपके बगल में घंटी का निशान होगा उसको जरूर दबाइएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। धन्यवाद।